जय मेरे प्यारे साथियों, राजू पे पिजो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जमकर, है ना। और साथ साथ में जिन बहन भाइयों के फॉर्म नहीं पढ़ पाए थे एज कम होने के कारण, या फिर जो बहन भाई यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में और उनको यूपीएसआई बनना है यानी कि दरोगा उत्तर प्रदेश का बनना है और इंतजार कर रहे हैं, और जिनकी एज कम रहेगी वो फॉर्म नहीं डाल पाए, तो दोनों के लिए सुनहरा अवसर आने वाला है बहुत जल्द। कैसे भाई, देखो री एग्जाम की डेट आ गई है, आप लोगों के लिए फैक्ट है, ठीक है ना। आपका एग्जाम होगा इसका, और इसके बाद सीधे सीधे इसका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा आपका, यानी मेडिकल फिजिकल। ज्यादा समय आपको देखने को मिलने वाला नहीं है, ठीक। अगले 6 महीने में सब ये प्रक्रिया निपट जाएगी। अगस्त में अगर सब कुछ पेपर ठीक निपटा जब, और इस बात तो ठीक निपटना ही है, सीधी सी बात है, क्योंकि अब री एग्जाम का री एग्जाम होना असंभव सा है, ठीक है। इसके बाद आपकी अगले 2-3 महीनों में आप लोग देखोगे यूपीएसआई और पीएससी की भी चर्चाएं चलने लगेंगी। अभी मैं कह रहा हूँ चर्चाएं चलने लगेंगी, और ये वैकेंसी भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, यानी कि देख सकते हो आप लोग कि ठंड के महीने में नवंबर दिसंबर या अक्टूबर में इनकी खूब चर्चाएं चलेंगी यूपीएसआई और पीएससी की, और दोनों भर्ती आएंगी। पीएससी 10,000, यूपीएसआई 5,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो तैयारी करते रहो, मेन मकसद यही है मेरा कि तैयारी आप लोग उसकी भी सोच के करते रहो। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप लोग सोच रहे थे वैकेंसी आई, कितना भी लेट आई वैकेंसी आई, ठीक, क्योंकि बैक टू बैक वहां पर 2 भर्तियां हुई थी। उसके बाद इसका एग्जाम भी देखो उन्होंने हुआ, इतनी जल्दी एग्जाम हुआ कि पेपर लीक हुआ, दोबारा भी री एग्जाम हुआ, यानी दोबारा री एग्जाम के लिए 6 महीने में बोला था, 6 महीने के अंदर करवा रहे हैं, ये बात सत्य है, ठीक है, यानी अगस्त के लास्ट वीक में आपका एग्जाम करवा रहे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों इसकी भी आप लोग अपनी तैयारी बना के चलना, नए नए सुनहरे सबको मौका मिलेगा। अगर देखो सीधी सच्चाई यही है कि 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है और लगने सिर्फ 60,000 हैं, बाकी के 49.5 लाख कह सकते हो कि बाहर ही रहेंगे, 49,40,000 लगभग बाहर ही रहने वाले हैं, ठीक। तो उन सबके पास, आप सबके पास यूपीएसआई और पीएससी में जाने का बहुत अच्छा मौका होगा वहां से। अगर पहली बात तो इसमें रहना नहीं, बिल्कुल चूक करना ही मत, 1% भी मत सोचना कि इसमें चूक हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए तैयारी करते रहो, और तैयारी के लिए आपके पास बेस्ट बुक्स भी होनी चाहिए। बेस्ट बुक्स की बात करें तो मैं आपके लिए कुछ बुक्स बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों इसमें आपके लिए 12 सॉल्ट पेपर्स प्लस 15 प्रैक्टिस सेट और भी बहुत सारे 2500 यानी लगभग 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है। और इसमें जो आपकी 17-18 को परीक्षा हुई थी ना, उसके भी आयोजित हाल प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं, यानी कि इंक्लूड वो भी किए गए हैं। तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है, आप लोग तैयारी ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपको भी पता है बहुत ही कम समय बाकी है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अच्छा खासा इस बुक पे मेहनत किया गया है और अच्छा खासा आपके लिए कॉन्टेंट इस बुक में मिलने वाला है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सभी देख सकते हो, और इसके साथ ही इनके स्टडी गाइड भी आती है, उसको लेके दोस्तों आपको पता है कंबाइंड स्टडी गाइड होती है, उससे संबंधित आपकी A to Z चीजें वहां पर कवर हो जाती है, ठीक है। इन सबको परचेस करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग आसानी से परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों वैकेंसी दोनों आ रही हैं, सीधी सी बात है, और बहुत जल्द आपको ये आने वाले समय में सब देखने को मिलने वाला है। यूपीएसआई का भी एक आने वाले समय में 2025 में एग्जाम होगा, ठीक है ना। पीएससी का भी एग्जाम होगा, दोनों का फिजिकल मेडिकल सब कुछ होगा। मैं पहले भी बोला था ना कि कांस्टेबल का तो होगा ही होगा, साथ में सब चीज का होना है, आज नहीं तो कल से, कल नहीं तो परसों से, सीधी सी बात है, क्योंकि वैकेंसी हर कोई आनी है, एक एक करके सब वैकेंसियां आनी है, आप लोग भी जान रहे हो ये चीज, ठीक। तो अभी आपको जो अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप लोग भी जान रहे हो री एग्जाम बोला तो था उन्होंने 6 महीने, लेकिन आपको डेट कंफर्म नहीं बताई थी, 6 महीने बोला तो 6 महीने सही, ठीक। लेकिन जो अभी डेट बताई उन्होंने, मात्र उसके अकॉर्डिंग 25 दिन आपको मिला, 25-26 दिन मिला है। और मैं ये चीज आपको, अब इससे चीज को आपको मेरे हिसाब से गलत नहीं मानना चाहिए, और ये फैसला मेरे नजरों में सही भी है, क्योंकि मैं आपको एक नहीं पिछले 6 महीने में हर एक वीडियो में बोला था कि भर्ती बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो आपको एग्जाम डेट देगा, वो सिर्फ आपको 20-25 दिन का ही समय देगा, मैक्सिमम 25 से 30 दिन का ही समय देगा। देखो वही हुआ है सेम, मैं पहले बोला था ना, ये लोग डिसाइड नहीं करते कि जाओ 6 महीने में अगस्त के लास्ट वीक में आपसे एग्जाम करवा लेंगे, ना भैया ना, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, डायरेक्ट बताएंगे आपके लिए 25 दिन पहले कि आपका एग्जाम इस तारीख से स्टार्ट है, और 15 दिन पहले आपके एग्जाम सिटी या एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड तो आई थिंक 8 दिन पहले ही जारी करेंगे, हो सकता है 4-5 दिन पहले जारी करें, लेकिन एग्जाम सिटी आपकी लगभग 10-12 दिन पहले ही जारी कर देंगे, ठीक। जब होगी तो मैं आपके लिए बता दूंगा सारी चीजें। फिलहाल तो दोस्तों तैयारी करते रहो भाई, इस बार ही आप निकल जाओ, सीधी बात है 60,000 बड़ी बहुत बड़ी पद है भैया, चढ़ जाओ उस लाइन में, उस एक ट्रेन ऐसी होगी जहां पर 1.5 लाख लोग पास होंगे, क्योंकि 2.5 गुना पास होंगे, उस ट्रेन में आपका चढ़ना बहुत जरूरी है। एक ट्रेन ऐसी होगी जो 48.5 लाख की होगी, उस ट्रेन में मत चढ़ना बिल्कुल भी,
अगर उसमें चढ़े ना तो बहुत पीछे चले जाओगे, बात मानना मेरी। और इस ट्रेन में गए ना तो एक तो खुशी, सम्मान, इज्जत, बहुत कुछ, सब कुछ मिलने वाला आपके लिए। इस ट्रेन में चढ़े फिजिकल क्वालिफाई करना सिर्फ, यानी कि रनिंग क्वालिफाई कर जाओ फिजिकल में, उसके बाद आपको समझो 100% जॉब मिल गई। क्योंकि मेडिकल में 19-20 अगर दिक्कतें हैं तो चल जाओगे मेडिकल पे। मैं बता दूंगा क्या क्या करता है, कैसे होता है, क्या चाहिए और कैसे क्या पास हो गए, ठीक है ना, सब चीजें बता दूंगा। कोई दिक्कत है तो उसके भी सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक। टेंशन नहीं लेना किसी चीज की, बस तैयारी करते रहना आप लोग मेहनत से, बस एग्जाम निकाल दो, रनिंग निकाल दो। दो ही स्टेप है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। जब मैं बना था तो एक बंदे ने मुझे वही कह दिया था कि आप देखो एग्जाम तो निकाला है हो, बस रनिंग और निकाल देना, आपको समझो 100% बदली मिल जाएगी। लेकिन हम उस समय ये डर रहे थे, अरे अभी तो मेडिकल बाकी है, हमारे तो साइड के दांत भी टूटे पड़े हैं, हमारे तो घुटने भी आपस में लड़ रहे थे, हम कैसे लगेंगे मेडिकल में, कहीं फेल ना कर दें। लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। बहुत ही नॉर्मल मेडिकल हुआ, स्टाफ भी इतना बढ़िया कि अरे ठीक है यार 19-20 अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि मिस्टर परफेक्ट मिलना बहुत ही कम है, ठीक है। तो बहुत आसानी से समझो मेडिकल हुआ था, इतना आसान हुआ था कि आप में शायद कभी कहोगे नहीं कि आसान मेडिकल भी होता है, ठीक है ना। ठीक है, फिलहाल वो बातें बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।